हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग, बताइए। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। और अभी मैं वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ नाइट से। अभी टाइम हो रहा है लगभग 8 बजे का। तो मेरा किचन देखिए कैसा बिखरा हुआ। हस्बैंड जी ड्यूटी गए, उनके लिए मैंने शाम को चले गए थे, वो 6 बजने वाले थे, तो उनके लिए मैंने सब्जी बनाई और रोटी बनाई। तो ये रोटी बनाई मैंने, आटा आटा सा हो रखा पूरे स्लैब में, तो मैंने सोचा अब अपने लिए खाना बना ही लूँगी, उसके बाद ही मैं साफ सफाई करूंगी। तो ये देखिए कैसा हो रखा है पूरा स्लैब ना, गंदा सा। तो अब जब खाना बनाऊंगी उसके बाद लास्ट में ही, खाने के बाद ही मैं किचन को समेटूंगी। और आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हैं। तो गाइज कल ना मेरा इतना सिर दर्द हो रहा था, इतना सिर दर्द हो रहा था, मैं रात का खाना ना मुश्किल से बना पाई सच में। इतना मेरी आंखें अभी भी जैसे मतलब सूजी सूजी से दिख रही, पता नहीं कैसा सिर दर्द हो रहा था। मेरी आंखें खुली नहीं रही थी, जैसे आंख बंद करने का ही मन में शांति सी मिल रही जब मैं आंख बंद से, थकी थकी हुई ना आंखें। तो हो जाता है कभी कभी हम किसी बात को लेके परेशान हो जाते हैं, उस वजह से जैसे अचानक से किसी चीज़ को लेके हम टेंशन में आ जाते हैं, तो उस वजह से सिर दर्द हो जाता है। सुबह जब मैं उठी तो मेरा मतलब माइंड एकदम फ्रेश था, तो उठते ही लग गई थी काम में। बहुत सारे कपड़े धुले आज मैंने, बहुत काम किया, घर की साफ़ सफाई भी कल कुछ नहीं हो पाई थी, तो आज मैंने पूरी क्लीनिंग की, बहुत सारे कपड़े धुले। अभी बताती हूँ मैं, देखिए कुछ कपड़े ये हैं जो कि मैंने आज धुले और पूरी चेयर भरी हुई, और कुछ कपड़े जो ज़्यादा गीले थे, एक दो जैकेट वगैरह स्वेटर, वो मैंने ऊपर छत में ही रखे हैं। तो आज थोड़ा मैंने ज़्यादा फुर्ती से काम किया क्योंकि कल का भी काम बड़ा हुआ था। तो गाइज वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, ये वीडियो जो मैं बना आप लोगों के साथ शेयर करी ना, मेरे लिए बहुत खास वीडियो है। बहुत टाइम से मैंने इंतज़ार किया था इस दिन का। तो चलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिए। वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो गाइज वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों ये वीडियो है 17 जनवरी की। तो 17 जनवरी को यहाँ पे सेटरिंग का काम चल रहा था लेंटर के लिए, मैं आई थी तरफ, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो शूट कर ली थी कि किस तरह से ये लोग सरिया बांध रहे हैं। ये कॉलम पड़े हुए हैं सारी दीवारों में, चारों तरफ से कॉलम पड़े हुए हैं ये देखिए। और हमारे जो ठीक सामने वाला घर है ना, उस पर शादी हुई थी, जो मैंने शादी वाली वीडियो शेयर की थी ना, तो यहीं इनकी लड़की की शादी हुई थी। तो लेंटर 2-3 दिन पहले पड़ जाना था, तो 2-3 दिन काम बंद हो रखा था क्योंकि पास में ही शादी थी, इस वजह से 2-3 दिन बाद ही लेंटर पड़ा। ये देखिए जितनी भी दीवारें ना, सब पे कॉलम पड़े हुए हैं, और यहाँ पे ये लोग काम कर रहे थे। सरिया मतलब कुछ बन गई थी और कुछ सरिया अभी नीचे लेबर लोग लगी हुई थी सरिया काटने के लिए। और 18 को मेटेरियल नहीं आया, फिर 19 तारीख की रात को रोड़ी बजरी जो मेटेरियल है ना, ये आया था रात को। तो ये 20 तारीख की है, कल की 20 तारीख को लेंटर पड़ा, और आसमान इतना ख़राब हो रखा था क्योंकि 19 तारीख रात को जब हमारा ये मेटेरियल आया ना, उस समय हल्की हल्की बारिश हुई थी, और कल भी पूरा मतलब दिन ऐसा था आसमान कि अभी बारिश आ जाए तभी बारिश आ जाए, लेकिन ईश्वर की कृपा से सब अच्छे से हो गया। मतलब बारिश नहीं आई, रात तक भी लग रहा था कि बारिश आएगी, लेकिन पूरे दिन भी और रात भी ना मौसम बहुत ख़राब हो रखा था। आज तो अच्छी धूप निकली हुई थी, लेकिन यही टेंशन हो रहा था कि लेंटर डालेंगे कहीं बारिश ना आ जाए, फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता, लेकिन नहीं आई ईश्वर की कृपा से। तो ये देखिए लेंटर पड़ रहा था, थोड़ा सा यहाँ पर मैंने वीडियो शूट की थी। ये देखिए आधे छत पे पड़ गया था और आधा ही बाकी है, काम चल रहा है। फिर ऊपर मैं थोड़ी देर आई थी यहाँ पे देखने के लिए, उसके बाद फिर मैं चली गई थी नीचे, क्योंकि मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं ना अपनी हर खुशी जो है शेयर करती हूँ, हर छोटी हो या बड़ी खुशी हो, डेली के ब्लॉग शेयर करती हूँ, तो मैं सोचा कि थोड़ा अपनी ये वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे काम चल रहा है, और वीडियो में दिख रहा है ना धूप बिल्कुल भी नहीं है, कैसा हो रखा है मौसम, कभी कभी तो लग रहा था कि अब भी आने वाला।